हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैंने एक कहानी पढ़ी और वो कहानी मेरे दिल को छू गई, तो मैंने सोचा इतनी अच्छी कहानी आप सबके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए मुझे। इसलिए उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन आप सबके बीच फिर एक नई स्टोरी के लेकर। कहानी कुछ इस प्रकार से है, झोपड़ी में एक आदमी एक दीपक चलाकर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे आधी रात बीत गई, बहुत थक गया, तो उसने फूंक मारकर दीपक को बुझाया और लेट गया। जैसे ही वो लेटा उसने देखा कि उसकी चांद की रोशनी से उसकी पूरी झोपड़ी जगमगा उठी है। वो सोचने लगा एक छोटे से दीपक ने इतने बड़े चांद की रोशनी को घर के बाहर ही रोक के रखा था। जैसे ही दीपक का प्रकाश बुझा रोशनी अंदर आ गई, तो वो विचारने लगा ऐसे ही हम अपने हृदय में छोटे छोटे अहंकार के दीपक, क्रोध के दीपक, मान माया लोभ के दीपक जला के रखे हैं। शायद उनकी वजह से ही परमात्मा की दिव्य शक्तियों की जो रोशनी है वो शायद अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। जब हम भी अपने अंदर जल रहे ये अहंकार के दीपक, क्रोध मान माया लोभ के दीपक को बुझाएंगे, तभी शायद परमात्मा की रोशनी को जो रोक के रखी है, जिसे दीपक ने रोक के रखा था चांद की रोशनी को बाहर ही, वैसे ही शायद यही अहंकार के दीपक वगैरह हमारे बाहर जो परमात्मा की दिव्य शक्तियां है उसे शायद अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही। तो बुझाने की जरूरत है इन अहंकार रूपी दीपक को और प्रवेश कराना है अपने अंदर परमात्मा की शक्तियों को।